सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, की हाल चाल है? सारे भाइयों तो ठीक हो? अच्छा जी, अज असी ब्लॉग बनाने जा रहे हैं कि जेडे बंदे इतने ओमान दे विच है ने, जेडे काम करन दे ने, या जेडे बंदे काम करना चाह रहे ने, ठीक है, या जेडे बंदे इतने आना चाह रहे ने, उन्होंने उन्होंने बारे च असी तुहानू दसांगे। क्यों भी इंजीनियर भाई, सुनाओ और काम दी सूरत हाल कैसी जा रही तुहाडी? जी अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं ड्यूटी करके आया तो तुसी भाई क्या चलिए, मैं चलो फिर। अच्छा भाई, मैनू ये दसो कि थोड़ा की जेन है कि जेड़ा लेबर तबका वा नु इस टाइम आना इथे माल विच आना चाहिए नहीं आना चाहिए? भाई अगर मेरी सोच या मेरे दिमाग दे हिसाब नाल अगर कोई बंदा पूछे, मैनू 6 साल हो गए थे, तुहानू पता है इस चीज। हां बिल्कुल, तो 6 साल हो गया। 6 सालां च भाई मैं एक वारी भी छुट्टी नहीं गया, क्योंकि हर बंदे दी अपनी फैमिली सिचुएशन है, हर बंदे दा अपना हिसाब किताब है, ठीक है। हर बंदे दा दिल करदा कि यार मैं घर जावां, अपनी जिंदगी जिहड़ी आ सी घर विच गुजारीए, टाइम अपना घर, यानी कि खुशियां जिहड़ियां ने, ना मैं खुशी ते किसे जा सकिया ते ना मैं गम ते, मैं मोबाइल दे उत्ते ही आ सारा कुछ वेखदा रहा, ठीक है। सो मेरे एक दो जिहड़े कजन सी उहनां दीआं शादियां, जिहड़े मेरे सिस्टर सी, भाई सी, उहनां दीआं शादियां वी मैं अटेंड नहीं कर सकिया। झूठ मारन नूं ते मां बहुत मार दिंदी है, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा तुहानू, ठीक है, कि दुनिया जो कुछ करदी है। लेकिन भाई मेरे ख्याल दे मुताबिक जिहड़ा लेबर बंदा, यानी जिहनूं काम बिलकुल नहीं पता, ठीक है, एक वैल एजुकेटेड बंदा, ओहदे वास्ते कोई मुश्किल नहीं ओमान च आवे जां चाहे किसे कंट्री च वी जावे। ते जिहड़ा लेबर तबका बंदा वा, लेबर तबका इधर ओमान दा आउण दे बारे च सोचे भी ना, जे उन्हें जलालत अखीर करनी है, जलालत खटनी है, तो वह बंदा आ जाए, कोई इशू नहीं है। वह बंदा आके इतने 3-4 साल जो धक्के खाएगा, जो इतने सू कमाने जोगा ना होएगा, उ रोटियां दूसरों के पलों खाएगा, उन्होंने पता लग जाएगा, ठीक है, हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रैफर नहीं करता कि लेबर तबका वाए, जहाँ हुनर होना चाहिए उस बंद के हाथ से, एज ए इलैक्ट्रीशियन होज ए पलंबर होारपेंटर हो, यानी कि कोई प्रोफेसनल बंदा, ठीक है। परदेश उन्हें दो बंद वास्ते है, जहाँ तो वैल एजुकेटड बंद वास्ते, हुनरमंद बंद वास्ते, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे च मैं कहंगा कि अगर तुसी जाना चाहते जे तो वैल डिवेलप कंट्रियां जाओ भाई, ओमान से कख नहीं है, ठीक है। 6 सालों के भाई मैं सिर्फ अपने घर का रोटी दाल पानी पूरा किया, इस तो अलावा कख नहीं कर सकिया, ना मैं अपना कुछ कर सकता। गड्डी बनाई है, गड्डिया इतने वैसे सस्तियां अरब के, ठीक है, तुसी जिदों मर्जी लै सकते, कोई इशू नहीं है। जिहड़े बंदे तुहानू ओमान दे बारे च एडवरटाइज करदे आ, अच्छियां चीज़ां दसदे आ कि यार ओमान च आह हो रहा, तो वह हो रहा, वह बंदे भाई वैल वैल जिहड़े सैटल ने, या वैल कारोबारी बंदे जिहड़े, वह बंदे ने, ठीक है। ओमान दे विच लेबर तबका, मैं बार बार कह रहा लेबर तबका, लेबर तबका इधर मूँह ही ना करे, खाली गवर्नमेंट पैसे बनाउंदी अपने और अपने पैसे बना के, तो उन्होंने हुण इत्थे लेबर कोर्ट पई है, 3-4 दिन हो गए है लेबर कोर्ट वाले ने जीना हराम किया, ठीक है। गड्डी मैं चला रहा, तो यह गड्डी भी मैनू परमिशन नहीं हैगी कल्ले बंदे नू चलाउण दी, दोवां तिन्नां बंदिआं नू कट्ठिआं बह के गड्डी चलाउण दी भी परमिशन नहीं है इत्थे ओमान दे विच। इन्हां दा रूल ऑफ रेगुलेशन जिहड़ा ओह होर हिसाब दा, क्योंकि असीं तां फॉलो करना रूल नू, ठीक है। लेकिन दो बंदे अगर असीं बैठे हां तां सानूं डक के 22 नंबर इत्थे चल रही जी बल्दिया दी गड्डी, जिहड़ा 300 रियाल ग्रामा दे दिंदी है मिंटो पहलो, ठीक है। 300 रियाल पाकिस्तानी पता किन्नी अमाउंट बनदी है, 300 रियाल 7×21 तकरीबन 2.5 लाख के करीब करीब पैसे बनते, जो एक सेकेंड दे विच दे के ते साइड ते हो जाते हैं, अगर 3-4 दोस्त तुसी कट्ठे फिरन जा रहे जे। इसलिए भाई जिहड़ा भी काम करना तुसी भाई दुबई नूं प्रैफर कर लो, सऊदीआं नूं प्रैफर कर लो, क्योंकि उत्थे अपॉर्चुनिटियां है ने, लेकिन ओमान च कभी भी ना आयो, कभी भी ना आयो, ये तुहानूं मैं वार्न कर रहा, ठीक है। तो जिंदे वास्ते रहो, खुश रहो, असीं तुहानूं सिर्फ इनफॉर्मेशन दित्ती आ, बाकी तुसी अपनी मर्जी, तुसी जाना नहीं जाना, कितने आना नहीं आना, तुहाडा अपना ज़हन आ, लेकिन ओमान दे विच भाई मूंह ना करियो, जे जलालत खटनी तो फिर आ जाओ। लेबर तबका इहदे रिव्यू दे उत्ते अगर तुसी सानूं मज़ीद इस तरह दीआं वीडियो देखना चाहुंदे जे साडीआं, कि इहदे ते फिर पॉइंट ऑफ व्यू ते, तो असीं तुहानूं वहावांगे जरूर, क्योंकि बंदे साडे जिहड़े कमरियां दे विच बहुत सारे, हर बिल्डिंग दे विच किन्ने किन्ने बंदे फ्री बैठे आ, की करंदे आ, की नहीं करंदे, असीं उहदे ते वीडियो पा सकदे तुहानूं पूरे प्रूफ दे नाल, ठीक है। तो सारे भरा खुश रहो, राजी रहो, परदेश के बारे च भाई ना सोचो, पाकिस्तान के अगर तुहानू काम है वा अच्छा, तुहाडा ग्रो हो सकता 40-50 हज़ार तुसी कमा रहे हो, तो उस काम नू अच्छे तरीके ना करो और अपनी फैमिली च रहो, ठीक है। सानू पता परदेश असी किदां कट्टने आ ते की हिसाब किताब आ।
ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਲਾਫੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਬਾਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਨੋ ਮਾਨ ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨੀਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਹਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਲੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟਣ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣਾ 5-7 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।